हे गाइस, प्रोफेसर टेक हियर। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं नए ग्राफिक्स कार्ड्स के बारे में, स्पेसिफिकली एनवीडिया के रूमर्ड सुपर जीपीयूज के बारे में। अगर तुम लोगों को एनवीडिया सुपर के बारे में कुछ इनिशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में जानना है तो मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है जिसका लिंक अभी ऊपर आ रहा होगा, वहां जाके तुम लोगों से चेकआउट कर सकते हो। हाउएवर, अभी 2 से 3 दिन पहले कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐसे कंफर्म हुए हैं 2-3 सोर्सेज से, जहां हम लोग ये कह सकते हैं कि एनवीडिया नए ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च करने वाला है एंड ये कहलाएंगे एनवीडिया के आरटीएक्स सीरीज के सुपर जीपीयूज। तो क्या क्या निकला है, वेल लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो, एंड इसका मतलब क्या होता है, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द मार्केट, हम लोग ये सब देखेंगे। तो रूमर ये है कि एनवीडिया नए आरटीएक्स 2060, 2070 एंड 2080 रिलीज करने वाला है। ये सुपर सीरीज के कार्ड्स होंगे एंड इसके अंदर एक आरटीएक्स 2080 टीआई सुपर कार्ड भी आएगा। जी हाँ, बट वो अभी लॉन्च नहीं होगा, उसका भी रीजन क्यों वो मैं डिस्कस करता हूँ आगे। तो जो डेट्स अभी आ रहे हैं कि ये कार्ड्स कब लॉन्च हो सकते हैं, उसमें से पहला डेट है 21 जून के आसपास एंड दूसरा डेट कहीं कहीं जुलाई के आसपास है, तो अभी तक कंफर्म नहीं है। हाउएवर, जो एग्जिस्टिंग कार्ड्स है वो रहेंगे, यानी कि आरटीएक्स 2060, 2070, 2080 एंड 2080 टीआई, ये सारे कार्ड्स अवेलेबल रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं RTX 2080 Ti सुपर कार्ड की। तो गाइस, इस कार्ड में खास ये होगा कि ये कम्प्लीटली अनलॉक्ड होगा, यानी कि कस्टम बोर्ड पार्टनर्स इस पे 300 वॉट्स की TDP तक ले जा पाएंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि जो कार्ड्स ये भी बोर्ड पार्टनर्स बनाएंगे उनके क्लॉक स्पीड्स ज्यादा होंगे, उसमें हेडरूम ज्यादा होगा ओवरक्लॉकिंग करने का। साथ ही इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो कूडा कोर्स हैं, वो भी ज्यादा होंगे एंड ये हो सकता है एक नए चिप पे आए जो कि TU102 से अलग हो, जिसपे करंट RTX 2080 Ti बेस्ड है। इसके बाद बात करते हैं RTX 2080 सुपर कार्ड की, जो कि 8GB का ग्राफिक्स कार्ड होगा। तो बेसिकली जो कॉन्फर्मेशन आया है उसके हिसाब से इसके अंदर 8GB VRAM होगा GDDR6 एंड इसमें खास बात ये हो सकती है कि इसके अंदर 16GBPS का GDDR6 मेमोरी यूज हो एंड इसके अंदर स्पेसिफिकली रिपोर्टेड है 3072 कूडा कोर्स। अब RTX 2080 का जो प्राइस पॉइंट है, that is going to be somewhere around RTX 2080 के जो अभी मिल रहा है उसके price point पे, या उससे हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो। However, अभी तक ये चीज़ confirm नहीं हुआ है। RTX 2080 Super का जो chip है वो है TU104450। इसके बाद हमारा existing RTX 2080 है जो कि TU104400 card है, इसके अंदर 2944 CUDA cores होते हैं एंड इसका price कुछ कम होगा, ये अभी के RTX 2070 Super and 2080 Super के बीच में आ जाएगा। Second जो card है वो है RTX 2070 सुपर एंड ये कार्ड रहेगा TU104410 चिपसेट पे। इसके अंदर हमको 2560 कूडा कोर्स मिलेंगे, 8GB का GDDR6 मेमोरी विद 14GBPS बैंडविड्थ। अगला जो कार्ड है वो होगा RTX 2070 जो एग्जिस्टिंग मार्केट में अवेलेबल है, जो कि है TU106400 कार्ड एंड इसके अंदर 2304 कूडा कोर्स हैं। इसके बाद RTX 2060 सुपर कार्ड बनेगा जो कि अगेन एक नया चिप है एंड ये TU106410 कार्ड होगा, जिसके अंदर 2176 कूडा कोर्स होंगे, 8GBPS GDDR6 मेमोरी के साथ 14GBPS के बैंडविड्थ पे होगा एंड एग्जिस्टिंग 2060 RTX जो कार्ड है वो रहेगा 1920 कूडा कोर्स के साथ 6GB VRAM पे। तो दो खास चीजें सामने निकल के आई, RTX 2060 सुपर कार्ड में 8GB VRAM रहेगी एंड ये जितने भी पुराने हमारे एग्जिस्टिंग कार्ड्स हैं RTX 2080, RTX 2070 एंड RTX 2060, इनके प्राइसेस कम होंगे। नाउ हमको पता है कि GTX 1660 Ti से तो इसका प्राइस कम नहीं हो सकता, तो इंडिया में इसका प्राइस पॉइंट लेट से 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में होगा, जो कि एक काफी अच्छा डील होगा। वहीं पे RTX 2060 सुपर का प्राइस पॉइंट आएगा अराउंड 31 से 32,000 के बीच में, RTX 2070 का प्राइस पॉइंट कम हो जाएगा, RTX 2070 सुपर एग्जिस्टिंग RTX 2070 का प्राइस पॉइंट ले लेगा एंड RTX 2080 का प्राइस पॉइंट अगेन कम आएगा RTX 2070 सुपर के प्राइस पॉइंट से थोड़ा ऊपर, RTX 2080 सुपर कार्ड हमको एग्जिस्टिंग RTX 2080 के प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ या एनवीडिया अभी इसे क्यों रिलीज कर रहा है, बिकॉज एनवीडिया एज ए कंपनी उसने बहुत ज़्यादा स्कोप छोड़ा हुआ था। मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि एनवीडिया के जो चिप्स हैं उसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी वेल डिफाइंड है। हाउएवर, इन सुपर कार्ड्स के आने के बाद आप देखोगे कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, यानी कि एक अच्छा क्वालिटी का RTX 2070 सुपर कहीं ना कहीं जाके RTX 2080 के स्टॉक मॉडल को हिट करेगा, उसके परफॉर्मेंस को हिट करेगा। सो दैट इज़ वाई ये कार्ड जो है ये खास होने वाले हैं एंड बिकॉज ये अनलॉक्ड रहेंगे तो सबको अपना फुल TDP मिलेगा, विच इज़ अमेजिंग। सो वॉट इज़ हैपनिंग इज़ AMD के जो नावी कार्ड्स हैं उनके अगेंस्ट में NVIDIA एक नए कार्ड्स का सीरीज लॉन्च कर रहा है, जिसकी वजह से वो मार्केट में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं कॉन्स्टेंटली, जो कि वो ऑलरेडी कर रहे हैं।
एंड वहीं पे जब हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो उनके पास RTX 2080 सुपर कार्ड है, RTX 2080 Ti कार्ड है एंड RTX 2080 Ti अगेन सुपर कार्ड जो कि फ्यूचर में आएगा विथ मोर कूडा कोर्स एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस। सो कहीं ना कहीं हम हाई एंड कार्ड्स के साथ हाई रिफ्रेश रेट हाई रेजोल्यूशन गेमिंग पे जा रहे हैं, यानी कि 4K 120fps या 4K 144fps पे एंड RTX 2080 कार्ड्स के साथ आप 1440p पे हाई रिफ्रेश रेट पे गेमिंग कर पाओगे। सो गाइज दिस वॉज माई सम आइडिया जो मुझे लगा इन लीक्स के साथ एंड आई थॉट कि मुझे ये तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में एनवीडिया के कार्ड्स के लिए इतना ही। जैसे कि तुम लोगों को समझ आ रहा है मैं वीडियोज रेगुलरली नहीं डाल पा रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग भी 2 दिन से डाउन है। द रीजन बिंग आई एम शिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग मतलब मैं एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा सामान जो है वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है इधर उधर एंड मैंने बस पहला काम ये किया कि अपने पुराने घर में जो सबसे आखिरी चीज़ मैंने पैकअप किया वो था मेरा PC एंड वही उठा के सबसे पहला सामान जो मैंने इस घर में असेंबल किया वो है मेरा PC। तो दैट इज़ वाई ये वीडियो अभी मैं बना पाया। हाउएवर और कुछ नया कंटेंट एंड कुछ अच्छे सेटअप के वीडियोस आगे आने वाले हैं। सो कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड अगर अभी तक नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो हिट करो ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले तुम लोगों को पता चल सके एंड तुम लोग कोई भी मेरा वीडियो नहीं मिस करो। तो गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, वी हैव जस्ट रिसेंटली क्रॉस 2800 सब्सक्राइबर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट एंड लेट्स होप वी विल रीच टू 3000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी। साथ ही हम लोग अपने लाइव स्ट्रीम पे कुछ गिव अवेज के बारे में बात करने वाले हैं। सो नेक्स्ट जो भी लाइव स्ट्रीम होगा उसमें आ जाना, वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डिस्कशन एंड कैसे तुम लोग कुछ जीत सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद। Press the bell icon on YouTube app and never miss any update from TechTubeLite. पीसी मास्टर रेस इंडिया यूट्यूब चैनल के लिए एंट्रीज ओपन है। कैसे पार्ट लेना है बहुत सिंपल है, मेरे वेबसाइट पे यानी www.techtubelite.in पे मैंने एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। वहां जाके सिर्फ 5 मिनट में डिटेल्स भर दो एंड दैट्स इट। आपको अपने सेटअप के मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10 फोटोज खींच के भेजने हैं जो कि आप डायरेक्टली मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद CPU-Z ओपन करके CPU इन्फो GPU इन्फो एंड बेंचमार्क चला के स्नैपशॉट ले लेना है। इसके अलावा आप सिनेबेंच R15 R20 फायर स्ट्राइक सुपर पोजिशन एंड अपने फेवरेट गेमिंग बेंचमार्क्स का भी स्नैपशॉट लगा सकते हो एंड फाइनली अपने PC के डिटेल्स को उस फॉर्म में भर दो। बस इतना ही था। इसके अलावा अगर कोई भी वीडियो फाइल है तो तुम लोग अपने गूगल ड्राइव पे डाल के शेयर कर देना। PC मास्टर रेस इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जितना जल्दी हो सके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।